मुझे अच्छी तरह से याद है जब फेवरेट हमारे पास आई थी तो हमने फेवरेट को उस चैम्बर में उतारा था। फेवरेट को दरअसल कैंसर था। आज फेवरेट की जो स्थिति है वो काफ़ी दुखदायक है, लेकिन उसके पास जाते जाते मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या होता है कि जब भी कोई वीडियो बनानी होती है तो उसके बारे में मैं रात को सोचने लग जाता हूँ। आज मैंने ये वीडियो बनानी थी तो मैं जब कल रात ये सोच रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो फेवरेट की स्थिति है, फेवरेट जो है वो कैंसर की शिकार गायवंश है, तो जो फेवरेट की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है। कभी फेवरेट यहाँ पर खेलती होती थी और भले उसे कैंसर था पर कोई मानता नहीं था कि उसे कैंसर है, लेकिन आज जो फेवरेट है वो यहाँ पर बैठी रह गई। फेवरेट को जैसे डॉक्टरों ने बताया था कि फेवरेट को मुश्किल से 10 या 15 दिन की मेहमान है, लेकिन हमने फेवरेट को 6 महीने तक सरवाइव कर पाए हैं। अब देखिए, मैं ना ही डॉक्टर हूँ ना ही मैं भगवान हूँ, लेकिन मुझे पता है जब कोई बैल बछड़ा गायवंश ऐसे बैठ जाता है तो वो मुश्किल से 10 15 दिन या महीना अपनी ज़िंदगी का गुजार पाता है। आज फेवरेट भी उन सभी की तरह बैठ गए है और हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी ये खड़ी नहीं हो पा रही। अब फेवरेट को जो लोग हमारे पास लेकर आए थे तो उन्होंने बताया कि फेवरेट को सड़क पर पड़े हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं और इसके जो वोंड था उसमें पहले कीड़े पड़े, उसके बाद वो कैंसर में तब्दील हो गया। अब जब लोग इनको देखकर भी ऐसे इग्नोर करते रहते हैं तो ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो फेवरेट की ना जाने कोई, मेरे हिसाब से कोई गलती तो नहीं थी। पहली गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने फेवरेट को ऐसे दूध पीकर छोड़ा, और दूसरी गलती उनकी है जिसने 10 से 15 दिन, मेरे हिसाब से भारत की इतनी आबादी है कि कोई ऐसा इलाका तो होगा नहीं जो बिल्कुल सुनसान हो, वहाँ से लोगों का आना जाना तो होगा ही होगा, लेकिन लोग इसे इग्नोर करते रहे जिसके कारण आज इसको कैंसर है और शायद हम फेवरेट को जल्द ही खो देंगे। बाकी आपको हम यही इस वीडियो से कहना चाहेंगे कि आप अगर कोई भी इंजर्ड एनिमल्स देखते हैं तो अपनी नज़दीकी एनजीओ या गायशाला को जरूर इन्फॉर्म करें ताकि फेवरेट जैसी मौत किसी और को ना मिले।